नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईगल प्ले पर। दोस्तों आज है संडे और आज हैशटैग आग सौरभ का एक और नया फ्रेश एपिसोड है ये, जहां पे आप लोगों ने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग से और यूनिक से सवाल मेरे से किए थे, उसी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखो, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन उससे पहले आज बॉलीवुड के फेमस सुपरस्टार बिग बी अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे, और उन्हीं के साथ आज हार्दिक पांड्या, कुंगफू पांड्या नाम से भी जाने जाते हैं मुंबई इंडियंस और इंडियन क्रिकेटर का फेमस ऑलराउंडर, उनका भी जन्मदिन है। तो मैं उन दोनों को पूरे ईगल टेक और ईगल प्ले चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करना चाहता हूं। चलिए बॉस, हम लोग क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल आ रहा है स्वपन गोपी जी से, उनका कहना है भाई इस सेल में कहां से शॉपिंग करना चाहिए, फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों से करो यार। अगर आपके पास HDFC का कार्ड होगा तो आप लोग अमेजन से करो, अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड होगा तो आप लोग फ्लिपकार्ट से करो। जो भी प्रोडक्ट आप लोग टारगेट कर रहे हो कि मुझे इस सेल में खरीदना है, दोनों प्रोडक्ट को अमेजन और फ्लिपकार्ट में सर्च करो, जहाँ पे आपको कम प्राइस में मिल रहा है, जहाँ पे आपको अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं उधर से आके खरीदो। दोनों ही प्लेटफॉर्म आपको सेम डेट में ऑफर्स दे रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे, जहाँ से भी मर्जी आप लोग खरीद सकते हो। चलिए आज का हमारे एक सवाल आ रहे हैं वैभव रंजन सेनापति, नाम मुझे याद आ रहा है क्योंकि पिछले एपिसोड या फिर उससे पहले शायद से इनका क्वेश्चन मैंने पिक किया था। क्वेश्चन है कि ब्रो मेक ए वीडियो अबाउट बेस्ट डील्स ऑफ ग्रेट इंडियन सेल एंड बिग बिलियन डे एंड व्हाट्स योर फेवरेट टीम इन IPL। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मेरा फेवरेट टीम कौन सा है, एक गेम खेले थे हम लोग, याद होगा शायद से आपको। और जहाँ तक ग्रेट इंडियन सेल और बिग बिलियन डे वाली वीडियो की बात है तो मेरे पास प्लान है उसके बारे में, एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं अपने दूसरा चैनल जो मेरा मेन चैनल है ईगल टेक में पोस्ट करने वाला हूँ। सेल से पहले ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो और भी थोड़े डील्स रिवील होने दो, कुछ कुछ डील्स ऑलरेडी रिवील हो चुका है बोथ अमेजन एंड फ्लिपकार्ट में, कुछ ऑफर्स ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो कौन से प्लेटफॉर्म से खरीदना अच्छा रहेगा, कौन से प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए, कौन से ऑफर अप्लाई करने से आपको प्रोडक्ट कम दाम पे मिलेगा, सब चीज़ आपको उस वीडियो में बता दूंगा। तो आप लोग ईगल टेक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, उस चैनल से आपको सेल से पहले एक स्पेशल वीडियो तो मिलने ही वाला है। और मेरा जो ईगल टेक ऐप है उसमें भी जब सेल चल रहा होगा उसमें मैं आपको जो बेहतरीन डील्स आ रहे होंगे, जो प्रोडक्ट बहुत ही कम दाम में मिल रहा होगा, उसके बारे में भी बीच बीच में पोस्ट करता रहूंगा, उस प्रोडक्ट का नोटिफिकेशन भी आपको भेजता रहूंगा। तो उसके लिए आप लोग ईगल टेक ऐप को जरूर से डाउनलोड करके रखना। लेकिन उस ऐप में अभी भी एक प्रॉब्लम चल रही है, जब भी आप लोग साइनअप करने के लिए जा रहे हो तो OTP जब आने वाली होती है इंटरनेट कनेक्शन का एरर दिखा जाता है। तो मैं आपको उसके लिए रिकमेंड करूंगा, विजिट करो eagletechapp.in, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप पहले वेबसाइट से जाके ज्वाइन इन कर लो, ज्वाइन इन ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर आप सक्सेसफुली साइनअप कर जाओगे ना, तो आप लोग जो पासवर्ड और मोबाइल नंबर को यूज करके वेबसाइट के बाहर साइन अप किए हो, सेम मोबाइल नंबर पासवर्ड को यूज करके आप लोग ऐप के अंदर लॉग इन कर जाओ, तो उसमें क्या रहेगा कि आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार आप सक्सेसफुली ऐप के अंदर चले जाओगे तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, टीम को बताया हुआ है, वो लोग सॉल्व करके गूगल को फिर से भेजे हैं, एक अपडेट आएगा और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ऐप का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन वो थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन अभी के लिए यही सॉल्यूशन है। आप लोग अगर साइन अप अभी तक नहीं कर पाए हो ईगल टेक ऐप में तो आप लोग पहले वेबसाइट eagletechapp.in में जाके साइन अप करो, फिर जो लॉग इन क्रेडेंशियल आपने यूज किया उसको यूज करके ईगल टेक लॉग इन कर जाओ। ले बॉस कमाने का सवाल करते हैं सावत सुमन कुमार, उनका कहना है कि व्हाई फोर स्टेट आर नॉट प्लेइंग फैंटेसी एंड ड्रीम इलेवन। देखो आप जिस भी स्टेट में रहते हो ना, उस स्टेट का भी अलग से कुछ रूल्स होते हैं। जैसे ओडिशा, तेलंगाना, असम में भी शायद आपको ड्रीम इलेवन या फिर कोई भी और फैंटेसी क्रिकेट अलाउ नहीं करता आपका गम में। तो आप लोग अगर इन सब स्टेट में रहते हो तो आप लोग ड्रीम इलेवन या फिर फैंटेसी क्रिकेट नहीं खेल सकते जब तक आपका स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता। चलिए बॉस का मान एक सवाल करते हैं अर्णब चंद्र, उनका कहना है कि आपको क्या लगता है सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा। वो तो पूरा डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे यूज़ करते हो। सोशल मीडिया ब्लेसिंग है यार, बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो कि छिपे हुए हैं लेकिन उनको पहचान दिया है सोशल मीडिया ने। जैसे आप लोग कुछ दिन पहले का एग्जाम्पल है बाबा का ढाबा को आप लोग देख सकते हो, सोशल मीडिया के भाई उनका जो कहानी है वो लोगों तक पहुंची, फिर लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और बहुत सारे ऐसी भी स्टोरीज हैं, फेक स्टोरीज, फ्रॉड स्टोरीज, जो कि सोशल मीडिया के भाया वायरल होती हैं, जबकि सच कुछ और ही होता है। और अगर आप लोग सोशल मीडिया को ऐसे सोशल मीडिया लोगे, आप लोग इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हो। अगर इसमें आप लोग दिन भर पढ़े रहोगे तो ये टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये सारे हैं सोशल मीडिया के डार्क साइड्स और ये सारे हैं इनके अच्छे साइड। चलिए बॉस का हमारा नेक्स्ट सवाल करते हैं मानस कुमार पांडा, उनका कहना है कि व्हिच फोन इज बेटर इन कैमरा एंड परफॉर्मेंस अंडर 20K। टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ और पोको एक्स थ्री और रियलमी सेवन प्रो दोनों फ़ोन में से किसी भी फ़ोन को मैंने यूज़ नहीं किया है, तो कोई भी राय मैं दूंगा वो थियोरेटिकल हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग यूट्यूब में सर्च करो पोको एक्स थ्री वर्सेज रियलमी सेवन प्रो, या फिर कोई भी फ़ोन आपको फ्यूचर में ख़रीदना है दोनों के बीच में कंपटीशन करना है तो आप लोग यूट्यूब में बस सर्च कर लेना, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और वो लोग जो बताएंगे वो प्रैक्टिकल बातें बताएंगे क्योंकि उनको फ़ोन मिला रहता है, वो लोग एक हफ्ते दो हफ्ते यूज़ करते उसके बाद अपनी राय देते हैं। तो मैं दोनों फ़ोन को यूज़ नहीं किया, मैं बता दूंगा आपको कुछ चीज़ वो तो मैं नेट से पढ़ के बता दूंगा ना। अगर आप मुझसे पूछोगे कि वन प्लस अच्छा है कि पिक्सल, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि परफॉर्मेंस के बेस पे वन प्लस पिक्सल से बेहतर है और कैमरे परफॉर्मेंस के मामले में वन प्लस से पिक्सल बेहतर है। और भी काफ़ी सारे सवाल मुझसे किए जाते हैं जहाँ पे लोग पूछते हैं कि भाई 10,000 के अंडर में कोई अच्छा सा फ़ोन बता दो, 20,000 के अंडर में कोई अच्छा सा फ़ोन बता दो। सेम चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, 100 से भी ज़्यादा टेक्निकल चैनल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, उधर आप लोग बस सर्च कर लेना बेस्ट फ़ोन अंडर 10,000, 15,000, 20,000, आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे और वो लोग जो बताएंगे वो प्रैक्टिकल बात होगी। वो लोग यूज़ करते हैं, उनको कंपनीज फ़ोन भेजती है, वो लोग रिव्यू करते हैं फिर बताते हैं। ये चीज़ आप मुझसे पूछोगे मैं बता सकता हूँ, मैं भी उनका वीडियोस देख सकता हूँ, इंटरनेट पे पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो थियोरेटिकल हो जाता है, समझ रहे हो। तो आप सबको मैं कहना चाहूँगा आपको जब भी कोई दो फ़ोन के बारे में चूज़ करना है तो आप लोग यूट्यूब में वीडियोस देखो, या फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो जो उसको ऑलरेडी यूज़ कर चुका है उसके पास से राय लो। चलिए मुझे मेरे के वीडियो को बहुत पसंद आया होगा, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।